डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग फिजिक्स में एक नई टॉपिक्स को सीखते हैं। आपको बताते चले कि हम लोग पिछले दिन प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय बारे में पढ़ते हुए हम लोगों ने तीनों के बारे में कैसे चेकआउट करना है कि कोई पदार्थ कब प्रतिचुंबकीय होगा, कब अनुचुंबकीय होगा, कब लौह चुंबकीय होगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हो, अगर उसमें कोई चुंबकीय पदार्थ को रखेंगे तो वो बिल्कुल उसके लंबवत हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। दोस्तों, हम उसको कहते हैं कौन सा? प्रतिचुंबकीय। लेकिन दोस्तों, जब वो प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में वो समानांतर हो जाए, किसके समानांतर? तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाए कौन? वो चुंबकीय पदार्थ समानांतर धीरे धीरे होती है तो हम लोग कहते हैं उसको अनुचुंबकीय। लेकिन दोस्तों, अगर वो समांतर होता है लेकिन तुरंत हो जाता है, जैसे हम इसको रखें पदार्थ को प्रबल विद्युत क्षेत्र में और तुरंत वो समांतर हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र के, तब हम उसको दोस्तों बोलते हैं कौन सा? तो हम उसको बोल देते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आइए सीखते हैं उसके आगे तो नया टॉपिक्स को। चलिए टॉपिक देते हैं हम लोग अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक। अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक के बारे में, तो हम लोग टॉपिक्स दिए हुए हैं अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक। ये हम लोगों का टॉपिक्स है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि अस्थाई चुंबक किसको कहते हैं और विद्युत चुंबक किसको कहते हैं। तो सबसे पहले अस्थाई चुंबक में इसका फर्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे अस्थाई चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की धारणशीलता उच्च होनी चाहिए। पदार्थ की धारणशीलता उच्च होनी चाहिए ताकि चुंबक शक्तिशाली हो, ताकि चुंबक शक्तिशाली हो। इसके अतिरिक्त पदार्थ की निग्राहिता भी उच्च होनी चाहिए। चलिए हम लोग अभी क्या पढ़े कि देख लो भाई, अगर कोई भी अस्थाई चुंबक किसी का भी हम लोगों को बनाना होगा या अस्थाई चुंबक के बारे में पूछेगा तो हम लोग यही बोलेंगे कि अस्थाई चुंबक वह चुंबक होता है जिसका दो चीजों का मान अधिक से अधिक होना चाहिए। पहला जो चीज होता है वो धारणशीलता, यानी कि अस्थाई चुंबक वह चुंबक होता है जिसकी धारणशीलता और इसके साथ साथ निग्राहिता का मान उच्च होना चाहिए। और दोस्तों, हम लोग पिछले वाले क्लास में जब चुंबकीय शैथिल्य के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने सीखा था कि धारणशीलता क्या है, निग्राहिता क्या है, तो वहां से चीजें हम लोग समझे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये समझे कि अस्थाई चुंबक वह चुंबक होता है जिसका क्या क्या चीजें हाई होती है, तो पहला धारणशीलता उच्च होती है और दूसरा उसका निग्राहिता का मान उच्च होता है।
ठीक है। तो ये पहली पॉइंट है जिसका हम लोग दो चीजों का मान अगर उच्च हुआ वह कौन सा चुंबक कहलाएगा, अस्थायी चुंबक कहलाएगा। फिर लिखते हैं नेक्स्ट एरो, इसी का नेक्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे अस्थायी चुंबक में, अस्थायी चुंबक में शैथिल्य का कोई महत्व नहीं है, अस्थायी चुंबक में शैथिल्य का कोई महत्व नहीं है क्योंकि क्योंकि इसका बार बार चुंबकन विचुंबकन नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका बार बार चुंबकन चुंबकन विचुंबकन चुंबकन विचुंबकन नहीं किया जाता है, बार बार चुंबकन विचुंबकन नहीं किया जाता है। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग चुंबकीय शैथिल्य के बारे में पढ़ रहे थे, कि जो बीएच वक्र में, बीएच वक्र हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, तो बीएच वक्र में जो बी का जो मान होता है एच की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, उससे हमेशा पीछे ही रहता है, बी का जो ग्राफ होता है उसी को हम लोग शैथिल्य कहते हैं। तो हालांकि आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि अस्थायी चुंबक जो होता है इसमें दो चीजों का मान ज्यादा होता है, पहला धारणशीलता और दूसरा निग्राहिता। इसमें शैथिल्य का कोई महत्व नहीं है क्योंकि इसे बार बार चुंबकन विचुंबकन नहीं किया जाता है। अब चुंबकन विचुंबकन का मतलब क्या हुआ कि बार बार इसे चुंबकीय क्षेत्र में नहीं ले जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग चुंबकीय शैथिल्य में पढ़े हैं कि चुंबकीय तीव्रता जो होना चाहिए ना, चुंबकीय क्षेत्र में दोनों में संबंध होना चाहिए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे बार बार चुंबकन भी चुंबकन की जरूरत नहीं होती है, अतः अस्थायी चुंबक में शैथिल्य का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, अगला एरो देंगे, लिखेंगे सभी दृष्टिकोणों से यह ज्ञात होता है कि सभी दृष्टिकोणों से यह ज्ञात होता है कि इस्पात नरम लोहे के अपेक्षा, इस्पात नरम लोहे के अपेक्षा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, अतः अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का व्यवहार किया जाता है, इस्पात का व्यवहार या इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे क्लास टेंथ में कि अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है, आप पढ़े होंगे कि अस्थाई चुंबक जो होगा ना वो इस्पात से बनता है। अस्थाई चुंबक किससे बनता है, अस्थाई चुंबक जो है इस्पात से बनता है दोस्तों, लेकिन विद्युत चुंबक जब बनाना होगा तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, नरम लोहे का इस्तेमाल करना होगा, ध्यान रहे। तो अब विद्युत चुंबक बनाने के लिए आप नरम लोहे का इस्तेमाल करेंगे, ये हम लोग क्लास टेंथ में पढ़े हुए हैं, शायद आपको याद ना हो, कोई बात नहीं हम आपको याद दिलवाते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए आप इस्तेमाल इस्पात का व्यवहार करते हैं। दोस्तों अब अस्थायी चुंबक बनाने के लिए आप इस्पात का ही व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अस्थायी चुंबक में ये चीज पता चला कि अस्थायी चुंबक वह चुंबक होता है जिसका धारणशीलता
और निग्राहिता दोनों को मान उच्च होना चाहिए और इस पे शैथिल्य का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही चीज हम लोगों को इस्पात में भी पाया जाता है। इस्पात एक ऐसा चुंबकीय पदार्थ होता है, यानी कि उसमें चुंबक का गुण पाया जाता है जिसमें धारणशीलता और निग्राहिता का मान उच्च होता है, लेकिन उस पर शैथिल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों नरम लोहे की अपेक्षा अब आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा कि नरम लोहा और इस्पात में किसका सबसे बढ़िया स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। तो हम लोग इस्पात से सबसे अच्छा स्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो नरम लोहे की अपेक्षा नरम लोहा से स्थायी चुंबक उतना नहीं बढ़िया बनेगा जितना कि इस्पात से बनेगा। तो इसीलिए हम लोग लिखें कि नरम लोहे की अपेक्षा इस्पात का स्थायी चुंबक बनाना अधिक उपयुक्त है। पक्की? चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए नेक्स्ट एरो देंगे, उच्च निग्राहिता की अनेक मिश्र धातु बनाई गई है, उच्च निग्राहिता की अनेक मिश्र धातु बनाई गई है जो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, जो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, जैसे पहला एल्मिको, दूसरा टिकोनॉल। बताते हैं सब क्या है, आप नाम याद रखिएगा, टिकोनॉल। तीसरा एलनी, इसको हिंदी में भी एलनिको लिख सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में लिखा हुआ है बुक में, तो एलनिको हम आपको लिख दिए। अब एलनिको क्या है भाई? तो एलनिको जो है एल्युमिनियम और निकेल और कोबाल्ट। देखिए एलनिको का मतलब AL, मतलब एल्युमिनियम, फिर Ni मतलब निकेल, फिर CO मतलब कोबाल्ट, टिकोनॉल। तो टिकोनॉल में कौन कौन सा रहता है? टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकेल, एल्युमिनियम। टिकोनॉल टाइटेनियम, Ti से टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकेल, एल्युमिनियम, ठीक है, टिकोनॉल हो गया। तो टिकोनॉल पढ़ते हैं जिसमें किसका किसका मिश्र धातु है, तो टाइटेनियम Ti, कोबाल्ट CONi, निकेल एल्युमिनियम। एल्मी में कौन सा? तो एल्युमिनियम और निकेल। दोस्तों यहां पे आप ये समझिए कि अभी हम लोग क्या बोले हैं कि इस्पात का अस्थाई चुंबक बनाने में अत्यधिक उपयुक्त है, ठीक है। अभी हम लोग ये पढ़े कि उच्च निग्राहिता, भाई अस्थाई चुंबक में तो निग्राहिता का मान उच्च होना चाहिए, धारणशीलता का मान उच्च होना चाहिए। तो आपके सामने यही लिखा गया है कि कुछ धातुओं को मिलाकर, जिसको हम लोग मिश्र धातुएं कहते हैं, जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है आपस में, तो दोस्तों मिश्र धातु का निर्माण होता है। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ और धातु का मतलब तो जानते ही हैं। तो अगर धातुओं को एक बार मिला दिया जाए तो हम लोग उसको कहते हैं मिश्र धातु, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्र धातु बोलते हैं दोस्त। अब मिश्र धातु का अगर बात करें तो मिश्र धातु में एल्युमिको है, टिकोनॉल है, एलनी है, जिसका क्या होता है? तो निग्राहिता का मान उच्च होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर एल्युमिको में कौन कौन सा आता है?
एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, ठीक है, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। फिर बात किया जाए टिकोनॉल, तो टिकोनॉल में कौन कौन सा है, किसका किसका मिश्रण है, तो टाइटेनियम मतलब टीआई, कोबाल्ट मतलब सीओ, निकेल मतलब एनआई, एल्युमिनियम मतलब एएल। एलनी, एलनी का मतलब एल्युमिनियम और निकेल। दोस्तों हम यहाँ पे यही पढ़े हैं कि कुछ मिश्र धातुएं भी हैं, कुछ क्या है, कुछ मिश्र धातु हैं जिनका निग्राहिता क्या है, जिनका निग्राहिता उच्च है, मतलब ज्यादा है, इन सभी तारों का इस्तेमाल करके भी हम लोग अस्थाई चुंबक बना सकते हैं, अस्थाई चुंबक बना सकते हैं, यानी कि हम लोग अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कुछ मिश्र धातु का भी इस्तेमाल करते हैं जिसका निग्राहिता क्या है, उच्च है। तो ये सब सारा एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कि एल्निको, एल्निको में एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये सब सारा जो एग्जाम्पल है इसका निग्राहिता का मान उच्च है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी में लिखेंगे, चूंकि टॉपिक्स है अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, हालांकि इस टॉपिक्स में हम लोग अलग अलग करते तो और बेहतर था, लेकिन दोनों टॉपिक्स को एक ही में लिख लिए है ना, विद्युत चुंबक भी लिखे हैं और अस्थाई चुंबक भी, तो अभी तक के जितना भी एरो दे के लिख रहे थे वो सब अस्थाई चुंबक के बारे में था। अब आइए चलते हैं हम लोग विद्युत चुंबक के बारे में सीखते हैं, तो अब उसके नीचे एरो दिया जाए, लिखेंगे विद्युत चुंबक के क्रोड के लिए, विद्युत चुंबक के क्रोड के लिए, विद्युत चुंबक के क्रोड के लिए वह पदार्थ उपयुक्त होगा, वह पदार्थ उपयुक्त होगा जिसमें जिसमें साधारण चुंबकन क्षेत्रों द्वारा, जिसमें साधारण चुंबकन क्षेत्रों द्वारा, साधारण चुंबकन क्षेत्रों द्वारा अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, तथा शैथिल्य की हानि कम से कम हो, कम से कम हो। लिखिएगा, अभी समझा देते हैं हम, फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि, उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि नरम लोहे के क्रोड से, नरम लोहे के क्रोड से, नरम लोहे के क्रोड से, नरम लोहे के क्रोड से विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। देख पा रहे होंगे अस्थाई चुंबक के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं और विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग यहां पे सीखें कि विद्युत चुंबक वह चुंबक होता है जो ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र को उत्सर्जित करता है, ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र को उत्सर्जित करता है और इसके साथ साथ शैथिल्य की हानि बहुत कम से कम होती है, यानी कि विद्युत चुंबक वह चुंबक होता है जो ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित करे, यानी कि चारों ओर फैलाए, और दूसरा कि इसमें शैथिल्य की हानि बहुत कम से कम होती है, लेकिन
स्थायी चुंबक में शैथिल्य का कोई प्रभाव कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसमें महत्व है कि विद्युत चुंबक में जो होना चाहिए किसका मान भाई, तो शैथिल्य का हानि कम से कम होना चाहिए। और दोस्तों इसीलिए पढ़े हम लोग कि विद्युत चुंबक का जो निर्माण किया जाता है इसीलिए बोला गया कि नर्म लोहे का क्रोड से बनाया गया। नर्म लोहे का क्रोड का मतलब होता है बीच वाला भाग, क्रोड का मतलब बीच वाला भाग, ठीक है। तो नरम लोहे का जो क्रोड होता है ना वो किसका बना होता है, उसका उससे विद्युत चुंबक बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि इस्पात से कौन सा चुंबक बनाया जाता है, इस्पात से स्थायी चुंबक की विद्युत चुंबक, आपका आंसर होगा अस्थायी चुंबक, क्लियर। तो यहां अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं, पृथ्वी के बारे में कि क्या पृथ्वी में भी चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लिखेंगे टॉपिक्स, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये हम लोगों का टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स में, इस टॉपिक्स को समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एरो दीजिए, लिखेंगे, लिखा जाए जिन दो स्थानों पर, जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाती है, पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाती है, पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाती है, कौमा उन स्थानों को, उन स्थानों को पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। देखिए अब मान लिया, बोल रहा है कि जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव, उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुव। जैसे मान लिया दोस्त कि अगर एक अर्थ है पृथ्वी है, एक क्या है, पृथ्वी गोल है ना, गोल बना दिया, ठीक है। अब पृथ्वी है ये, और इस पृथ्वी में अगर मान लिया कि एक चुंबकीय सुई है जो ऊर्ध्वाधर हो जाती है, यानी ए है हम लोगों का चुंबकीय सुई की दिशा, ये क्या है, चुंबकीय सुई की दिशा। हम लोग सीखे हैं ना चुंबकीय सुई के बारे में कि निडिल होता है वही डिसाइड करता है कि किधर चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। तो मान लिया कि ये चुंबकीय सुई है, तो जिस ओर चुंबकीय सुई होता है दोस्तों उधर ही चुंबक का ध्रुव बन जाता है। तो अब हम लोगों का ये क्या बन गया, तो ये हम लोगों का चुंबक का ध्रुव बन गया, दैट इज ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, और इसको बीचे बीच गुजरता है, इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष,
यानी कि इसी अक्ष पर पृथ्वी क्या होती है, घूमते रहती है। तो इस अक्ष पे घूमते रहती है और हम लोग देखते होंगे कि जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल में अगर बट गया, तो हम लोग सीखे है ना कि नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की ओर जाता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जिधर चुंबकीय सुई की दिशा होती है ना, उधर ही चुंबक भी पाया जाता है और उन दो स्थानों को हम लोग बोलते हैं चुंबक का ध्रुव। जैसे ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। और जितना भी मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल में निकलेगा, ऐसे। ऐसे करके बहुत सारा निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड है, देख पा रहे होंगे। हमेशा क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है साउथ पोल में जा रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है साउथ पोल में जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये फिगर बनता है। तो ये एक तरीके का दिखा रहा है कि पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो पूरा फिगर के नीचे लिख देंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। तो ये फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद उसके नीचे एरो देना है, फिगर बनाने के बाद नीचे एरो देंगे, लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाले, सर ये पृथ्वी का अक्ष नहीं है, गलती हो गया, ये चुंबक का अक्ष हुआ, चुंबकीय अक्ष, ये चुंबक है ना, तो चुंबक का अक्ष हुआ ये। हाँ, क्या लिखे अभी उसके नीचे एरो देकर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष कहा जाता है, चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। वही बात लिखे अभी फिर से उसके नीचे नेक्स्ट अर्थ देंगे, लिखेंगे पृथ्वी के चुंबक का अक्ष, पृथ्वी के चुंबक का अक्ष, पृथ्वी के चुंबक का अक्ष कॉमा पृथ्वी के घूमने के अक्ष से, पृथ्वी के घूमने के अक्ष से सत्रह डिग्री का कोण बनाता है। चलिए हम लोग यहां पे देखते हैं कि पृथ्वी का जो अपना अक्ष होता है, पृथ्वी का जो अपना अक्ष होता है इस चुंबकीय अक्ष से कितना डिग्री पर है, मतलब कि पृथ्वी जो घूरता है ना, तो घूरता है यानी कि पृथ्वी के अक्ष पे और इस चुंबक के अक्ष से कितना डिग्री पे घूमता है, वो 17 डिग्री पे गोल गोल घूमता है, ऐसे आया तो यहाँ पे 17 डिग्री बनाया, ऐसे घुमा फिर से ये ऐसे आया, तो यहाँ पे हम लोगों का कितना डिग्री बन रहा है, 17 डिग्री का एंगल। तो आप बिल्कुल ये समझिए कि पृथ्वी का जो घूमने की जो अक्ष होती है उससे और चुंबकीय अक्ष की जो एंगल होती है दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल होता है दोस्त, 17 डिग्री का, ठीक है, दोनों के बीच में 17 डिग्री का एंगल होता है। तो ये था हम लोगों का पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग आइए सीखते हैं पृथ्वी के चुंबकीय तत्व के बारे में। तो पृथ्वी का चुंबकीय तत्व, अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर में
कौन कौन से चुंबकीय तत्व मौजूद रहते हैं? चलिए, पृथ्वी का चुंबकीय, पृथ्वी की चुंबकीय तत्व, पृथ्वी की चुंबकीय तत्व, उसके नीचे एरो देंगे। पृथ्वी की चुंबकीय तत्वों में एरो दिया जाए, लिखेंगे किसी स्थान पर, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा का, परिमाण और दिशा का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान जिस राशियों से प्राप्त होती है उसे, उसे चुंबकीय तत्व कहा जाता है, कॉमा ये तत्व निम्नलिखित हैं, ये तत्व निम्नलिखित है, पहला दिक्पात, दिक्पात, दूसरा नमन, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय तत्व में हम लोग क्या लिखे कि पृथ्वी के अंदर तो हमको पता है कि चुंबक है, और उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, उस चुंबक का दिशा का निर्धारण करने के लिए हम लोग जिस राशि को व्यक्त करते हैं दोस्त, उसे कहते हैं चुंबकीय तत्व। यानी कि किन किन राशियों का हम लोग व्यवहार करते हैं, तो पहला दिक्पात, दूसरा नमन, नमन का मतलब गहराई, डीप, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तीन राशियों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग चुंबकीय तत्व कहते हैं। किसके लिए आवश्यकता होती है, तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के लिए, कि उसका दिशा किधर है, उसका कितना परिमाण है, टोटल कितना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र पास आउट हो रहा है, तो इसको ज्ञात करने के लिए तीन पार्ट्स को हम लोग, तीन तत्वों को जानना जरूरी है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे और डीपली तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।